गलवान घाटी में चीन के द्वारा की गई कायराना हरकत से आज पूरे भारतवर्ष में चीन के खिलाफ गहरा रोष है और पूरे देशवासी बॉर्डर पर तैनात जवानों की हर संभव मदद करना चाहते हैं। इसके लिए लोगों द्वारा चीन के सामान का पूर्णतया बहिष्कार कर चीन को आर्थिक तौर पर कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको देखते हुए हमीरपुर के गांधी चौक पर हमीरपुर की एबीवीपी इकाई द्वारा चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बस चीन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और चीन के सामान का बहिष्कार भी किया गया और गलवान घाटी में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान एबीवीपी इकाई के समस्त कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। एबीवीपी इकाई अध्यक्ष हमीरपुर हनी शर्मा ने कहा कि एबीवीपी इकाई द्वारा गलवान घाटी में चीन के द्वारा की गई कायराना हरकत के खिलाफ गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया और हमले में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि चीन के द्वारा निर्मित आंतरिक व बाहरी रूप से सामान का बहिष्कार करना है और चीन को आर्थिक रूप से कमजोर बनाना है। इसके साथ ही हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों द्वारा फौजी की बेटी का इलाज न किए जाने पर जिलाधीश से इस मामले की जाँच करवाने की अपील की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला इकाई हमीरपुर ने प्रदेश की इकाई के आह्वान पर जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये धरना प्रदर्शन जो है इसका मुख्य कारण जो है वो चीन ने जो कायरतापूर्ण हरकत जो गलवान घाटी में की है, जिसमें हमारे 20 जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं। तो मैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, पूरी विद्यार्थी परिषद उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती है और हम सभी पूरी इस भारत देश की जनता, इस हमीरपुर की जनता और हिमाचल प्रदेश की जनता से ये आग्रह करेंगे कि चीन का पूर्णतः बहिष्कार करें। कोई भी वस्तु या कोई भी दुकान से खरीदी या कहीं से भी चीन का कोई भी सामान ना खरीदें, क्योंकि वह इनडायरेक्ट तरीके से उस सामान से जो उनको आर्थिक जो लाभ होता है उससे वे हथियार जो हैं वो खरीदते हैं और वो उन्हीं हथियारों को हमारे जवानों के साथ लड़ाई में उनको इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इस सभी से यही अपील करूंगा कि वे चीन को पूर्णतः उसका बहिष्कार करें। वह हमें क्षति करता है, चाहे आंतरिक तौर पर या बाह्य तौर पर, चाहे बॉर्डर की बात करें चाहे अंदरूनी तौर पर बात करें, तो वह हमें कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ता जिसे वह भारत को क्षति पहुंचाता है। तो एक और कारण है इस धरना प्रदर्शन का, कल जो हमीरपुर अस्पताल में हुआ कि कैसे एक फौजी की लड़की थी और उसका इलाज जो है वो नहीं किया गया, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो जिलाधीश महोदय जी से मेरा ये निवेदन है कि वह कृपया इस मामले की जांच करें और उपयुक्त कार्रवाई करें।